नमस्कार, मसाला महक में आपका स्वागत है। मैं आज आलू और काले चने की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने गैस पे कुकर रखी हूँ। ये एक कप चने को मैं रात भर के लिए पानी में भिंगो दी थी, फिर सुबह अच्छे से वॉश करके मैं ये कुकर में डाल दी हूँ। और ये पांच प्याज, दो टमाटर, एक लहसुन का पोस्ट और ये लहसुन की कलियाँ। कच्चे आलू को मैं छील ली हूँ। और ये मिर्ची पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच और ये धनिया की पत्ती, साबुत लाल मिर्च डाल के मैं इसमें फिर नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार। बहुत टेस्टी लगता है ये। एक तेजपात और ये सरसों का तेल। ये आलू को इस तरह से छील के फॉर्क से दो से तीन बार छेद कर दें और फिर नमक स्वाद अनुसार, पानी हाफ कप। फिर कुकर को मैं बंद कर दी, चार सीटी आने तक मैं पका ली हूँ। फिर ये गरम मसाला हाफ चम्मच मैं कुकर को ठंडा होने के बाद खोल दी हूँ। देखिए सारा चीज़ पक गया है। तो मैं इसमें से सारे आलू और प्याज को, टमाटर को निकाल लूँगी। देखिए ये चना भी मेरा अच्छे से पक गया है, तो मैं अब निकाल लूँगी आलू। और ये सारे आलू को मैं निकाल रही हूँ, प्याज को भी निकाल लूँगी। देखिए निकाल ली हूँ। और फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और प्याज को निकाल के मैं मिक्सर जार में ग्राइंड कर दी हूँ। देख सकते हैं इसी जार में मैं पीस के पेस्ट बना दी थी प्याज का बस। और ये डाल दी हूँ। फिर ये अच्छे से मेरा भून रहा है। फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखी हूँ। तो ये मेरा भुन गया है मसाला, साथ में आलू भी चना भी। तो मैं ये पानी डाल रही हूँ। तो पानी आप अपने हिसाब से रखें, गाढ़ी पसंद है तो कम पानी डालें, पर पतली खाना है तो ज़्यादा पानी डालें। और अब इसको मैं एक बार और एक सीटी लगाने वाली हूँ। एक सीटी लगा के फिर मैं ठंडा करके खोल ली हूँ। देखिए तो फिर ये कसूरी मेथी, ये धनिया की पत्ती डाल के मैं सीटी लगा दी, एक सीटी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सब्जी मेरा बन के रेडी हो गया। इसे आप रोटी, चावल, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। धन्यवाद।